विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भी गरीब व मध्यम वर्ग के लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत सोलन जिला में करीब 45,000 लोग पंजीकृत हो चुके हैं व जिला में अभी तक करीब 25 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए सोलन के भाजपा नेता राजेश कश्यप क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे व इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लोगों से वार्तालाप की। इस दौरान लोगों में इस योजना के प्रति काफ़ी खुशी देखी गई व लोगों ने केंद्र सरकार की इस योजना को उनके लिए लाभकारी बताया। वहीं भाजपा नेता ने केंद्र की इस योजना के अधिक प्रचार प्रसार की बात कही। भाजपा नेता राजेश कश्यप ने इस दौरान बताया कि जिला सोलन में इस योजना के अंतर्गत करीब 45,000 लोग पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 25 लोग आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं व कुछ लोग वर्तमान में उपचाराधीन हैं व इसका लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का आग्रह सभी से किया ताकि हर व्यक्ति इस योजना का लाभ ले पाए। उन्होंने कहा, आज हम जिला अस्पताल में जिसे रीजनल हॉस्पिटल सोलन कहा जाता है उसमें ये मुआयना करने आए थे कि आयुष्मान भारत के तहत जो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है उसमें कितने पेशेंट्स को यहाँ पे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमने पाया यहाँ पे जो है 4 पेशेंट जो एडमिट हुए हैं जिसमें से एक पेशेंट यहाँ बसाल के रहने वाले हैं, एक लड़का है जिसकी अपेंडिसेक्टमी हुई है, एक पेशेंट कुरगल की रहने वाली है उसकी कॉलिसेक्टमी हुई है, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, और दो पेशेंट जो है वो एक नारक से और एक हरिपुरधार से है। इनकी जो है वो हिस्टेक्टमी हुई है या बच्चादानी जो है निकाली हुई है। तो इनको तरह तरह के जो मेजर ऑपरेशन हुए हैं उसके तहत लगभग 16,000 रुपये का जो बेनिफिट प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जन योजना के तहत मिला है जिसको हम कंफर्म करने आए थे। और हमने सीएमओ साहब से भी इसके बारे में जानकारी ली है। सीएमओ साहब ने हमें ये बताया कि लगभग 43,000 के लगभग फैमिली जो है जिला सोलन में जो है इस योजना के तहत रजिस्टर हो गई है और उसमें से अभी पिछले ही कुछ दिनों में 20-25 के लगभग इस तरह के जो पेशेंट है वो यहाँ आए हैं और उनको इसका लाभ मिला है। सोलन से प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट।